ऐसा है नहीं ज़्यादा जैसा पहले था। बस ये दूर से देख लिया, कभी तो नज़रें बचा लेते हैं, कभी नमस्ते राम राम हो जाती है, कभी जवाब भी नहीं देते। तो वो भी लोग डरे हुए हैं, वो डरे हुए क्या, वो ये सोचते हैं कि भाई हमेशा क्या उन पे, इस करके वो बात नहीं करते हमसे। रोड पे आग लगी हुई थी सारे, फिर आगे गोल सर्कल था एक बहुत बड़ा बाईपास पे, तो वहाँ पर कुछ मुसलमान के होटल भी थे जिनमें आग लगा दी थी। फिर उधर होते हुए मैं गांधीनगर होते हुए चिलूड़ा एक सर्कल का नाम है जहाँ पुलिस चौकी है, वहाँ पर रुका। उसके सामने पेट्रोल पंप था, पेट्रोल पर भी उन्होंने मना कर दिया मुझे। मैं कुछ वहाँ जाके माहौल देखा, वो बोले यहाँ पर आए थे अभी कुछ लोग, कपड़े उतार उतार कर देखते और जो मुसलमानों को मार दिया। दो हजार दो में मैं एक्चुअली पलिताना से आ रहा था। पलिताना एक जगह है गुजरात में जहाँ जैनियों का मंदिर है, वहाँ पर मैं गुजरात 2002 वालों के गेस्ट हाउस में रुका था। सर्किस में कुछ हमारे रिलेटिव रहते थे, तो मैंने सोचा वहाँ जाके मैं वहाँ चला जाऊँगा रात को। मेरे साथ एक फॉरनर टूरिस्ट था मैक्सिको का। फिर आगे मैंने फ़ोन किया अपने रिश्तेदारी में, तो उन्होंने कहा आप ऐसा करो, यहाँ माहौल ज़्यादा ख़राब हो चुका है, आप घर दिल्ली निकल जाओ ज़्यादा अच्छा है, यहाँ मत रुको अहमदाबाद। यार आ जाओ, बात करेंगे आपसे। तारीख को रात को आगरा चल छोड़ दी थी मैंने सवारी को, 28 की मॉर्निंग में आया था यहाँ। तो बड़ी मुश्किल से आप आया था, मेट्रो तो चल रही थी। शिव विहार में जौहरीपुर उतरा था और मैं वहाँ से यहाँ शिव विहार आया चमन पार्क। रास्ते में परेशानी हुई क्योंकि वो जलती हुई अलवारी वालों की दो दुकान है मेन रोड पर आमने सामने, उनमें आग लगी थी। बड़े डर डर के पैदल में आया यहाँ चमन पार्क तक। फिर मैं चमन पार्क में रुका, मेरी फैमिली वहीं थी, तो मैं शिव विहार जा रहा हूँ, तो मुझे जाने नहीं दिया कि कल 27 तारीख को यहाँ पर किसी को बुला के और उसका मर्डर कर दिया है और उनके भाई को चोटें आई हैं, हाथ पैर तोड़ दिए हैं। जमालुद्दीन का मर्डर हुआ था ना। मेरे शौहर थे, वो भी मतलब बाहर थे। मेरे महम जमाई थे, वो भी अपने घर गए हुए थे। मेरे दो बच्चे, एक लड़की थी और जो छोटी वाली लड़की थी गोद में बच्ची है का जी थी। मुंह पे हाथ रख दिया था उस बच्ची के हमने, और जब हमने वो करा था कि वो मतलब कहीं रोवे ना तो जो हम लोग हमें मार जाएंगे पता लग जाएगी, तो जो रोवेगी तो इसलिए उसके मुँह पर हाथ रख दिया था। फिर वो एक महीना बीमार रही थी, हौला के मारे यूँ ही कहती अम्मी बम ऐसे डरती थी, मतलब बम फूट रहे हैं अम्मी बम ऐसे। फिर 27 तारीख को मेरा लड़का भी आया था यहाँ पर अपना घर देखने के लिए मॉर्निंग में। तो उसने घर में हमारे कुछ देखे लड़के घुसे हुए जिन्होंने नकाब लगा रखा था मुंह पे। तो हमारे लड़के ने कहा हमारे थोड़े से कपड़े लाने दो, तो उन्होंने धमका के भेज दिया। फिर लड़का गया भी था आरपीएफ वालों के पास, उन्होंने मना कर दिया, हम गली में नहीं जाएंगे। जबकि मस्जिद के पीछे मकान था, ज़्यादा 30 मीटर होगा बाहर रोड। कहते हैं हमारी 25 फुटे पर रूटी है। हम चमन पार्क में रहे, पुलिस वाले ले गए थे हमें। तो पुलिस वाले हमसे कहते तो और चाहिए तुम्हें शानबाग की आज़ादी। मैंने कि भैया हमें शानबाग की आज़ादी ना चाहिए, हमें अपनी मैंने कि ज़िंदगी चाहिए, हमें ज़िंदगी चाहिए। वैसे तो रोते जा रहे, कहते जा रहे, पर उन लोगों फिर हमें लिकार के चमन पार्क छोड़ गए। चमन पार्क में हम रहे थे, यहाँ आए फिर हम दूसरे चौथे पाँचवें दिन तो देखो तो हमारे घर में आग लग गई, सारा कुछ भी नहीं रहा था इसमें। यहाँ पर सारा हमारा सिलेंडर फूटा था, सिलेंडर यहाँ पर फोड़ा था, जो दीवार गिर गई थी सारी, कुछ भी नहीं था इसमें। सारा मकान जरा पड़ा था, मलबा पड़ा था इसमें बहुत ज़्यादा। रोते थे कि अब हम यहाँ रह नहीं पाएंगे। हमारे ये जले पड़े हैं, जेरे बर्तन सारे ये ऐसे बर्तन कर दिए थे हमारे। तोले सोना मेरा था, पाजेब थी 2 जोड़ी, वो मेरी ले गए। लड़की का 15 तोले सोना और 1 किलो चांदी लड़की की ले गए थे, और कपड़े लत्ते ये सब ले गए। बर्तनों में, बक्सों में आग लगा दी थी हमारे में, ऐसा करा था। कोई नहीं कहता था कि हम यहाँ आ जाएंगे, उम्मीद भी नहीं थी। ये लोग तो ये चाहते कि जो यहाँ आएंगे नहीं। हमारे 9 गेट जरा दिए, रहने की बिल्कुल कोई समस्या ही नहीं थी कि कहाँ रहते। ज़मीन पर लेते आके बैठते थे, बैठने की जगह नहीं थी। इतना मलबा पड़ा था, वह मलबा पे बैठे थे, रोते थे बैठ के मलबा पर। जले जलाने सारे कपड़े काले हो जाते थे, ये हाल था। वो रात ऐसी थी कि बहुत बुरी रात थी। ये कहते कि हम यहाँ से निकल नहीं पाएंगे। मेरा भाई का फ़ोन आया था कि बाजी आप निकले आओ, तो मैंने कहा नहीं भैया हम निकल नहीं पाएंगे, हमारी मट्टी ले जाना यहाँ से उठा के, हम यहाँ बचेंगे नहीं, हम हमें हमारी मैयत ले जाना उठा के यहाँ पर। हम वो रात ऐसी थी। मैंने किसी को नहीं बताया था मैं मुसलमान हूँ। फिर मैं सामने पुलिस चौकी पे अंदर जाके बैठ गया, अपना फॉरनर को साथ उसको मैं अंदर चौकी में बैठाया। चौकी इंचार्ज से बात की, चौकी इंचार्ज बोला मेरी यहाँ ड्यूटी नहीं है, मैं तो दूसरी इलाके का आया हुआ हूँ, यहाँ के चौकी इंचार्ज गए हुए हैं कहीं, मेरी कोई सेफ्टी नहीं है, हमारी कोई गारंटी नहीं है। चौकी के अंदर भी राम राम करें या नमस्ते करें तो जवाब नहीं देते हैं वो लोग, और देव देंगे तो मतलब पहले जैसी बात ही नहीं रही। फिर हम भी नहीं बोलते हैं तो ये लोग बोलते ही नहीं हैं, तो हम क्या बोलेंगे। और नहीं पहले जैसे आते थे कहीं मिलने आते तो दुआ सलाम करते थे, हम भी उनके घर पहुँच जाते, वो भी हमारे घर आ जाते। अब ऐसा कुछ नहीं है।